राधे राधे टू राधे वन आप राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो देखो शादियों की बात होगी तो आपको सबको मजा आने वाला है। शादी तो एक उत्सव होता है ना, लेकिन आपने देखा होगा इतना पैसा खर्च करने के बाद इंडिया वाले चाहे फॉरेन वाले या कोई भी व्यक्ति जब शादी करते हैं इतना लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए भी खर्च करते हैं आजकल शादियों में। उसके बाद भी शादी में जब प्रॉब्लम्स आती है तो कितना दुख होता है, चाहे वो अपने बच्चे हों, अपने मिलने वाले हों या कोई भी। तो किस तरीके से आप घर बैठे भी उसकी कंपैटिबिलिटी को मिला सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ एक राइट डेट ऑफ बर्थ हो तो, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, और एक उनका जो यूज टू नाम है वो चाहिए। और ये दोनों चीजें तो होती ही होती हैं। हो सकता है आपके पास कभी टाइम ना हो, कभी आपके पास एक्यूरेट कोई चीज और ना हो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो सबके पास लगभग लगभग एक्यूरेट होती है। तो आज हम स्वागत करते हैं सुरभि जी का। सुरभि जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टॉपिक को चूज करने के लिए। बहुत लोग कह रहे थे कि इस पे बात करो इस पे बात करो, आज जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करो फिर हम बात करते हैं। मैडम स्वागत थैंक है, यू और सभी से सर एक बार राधे राधे कर लो। जी। सर सभी लोगों को राधे राधे, और आप सब भी बोलिए राधे 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 राधे। राधे। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए मैडम। जी मैं सुरभि आर्या गोयल हूँ, पामिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी का ही वेबिनार है, न्यूमरोलॉजी की ही क्लास है, तो ऑब्वियसली हम न्यूमरोलॉजी से ही कॉम्बिनेशंस पे बात करेंगे, उसी के मेथड्स पे बात करेंगे। लेकिन क्यों न्यूमरोलॉजी इम्पोर्टेंट है? आई थिंक वी ऑल नो क्यों इम्पोर्टेंट है। नंबर्स आर ऑल अराउंड अस, और हम में से ऐसा कोई नहीं है जो अपनी डेट ऑफ बर्थ खुद चूज करके आया है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए एक डॉक्टर से मिलके कि ये मैंने शुभ मुहूर्त और शुभ दिन और ये शुभ डेट निकाली है, आप मेरा बच्चा इसी टाइम पे इसी मुहूर्त पे करना। आप कुछ भी कर लो, अगर बच्चे का टाइम आने का वो नहीं लिखा है, आप कुछ भी कर लो, वो नहीं हो सकता। और अगर बाई चांस वो हो गया, उसका मतलब उसमें आपकी कोई ग्रेटनेस नहीं थी, वो टाइम ही वो लिखा हुआ था, तय ही वो डेट और वो टाइम की गई थी। आप चाहते हो फर्स्ट को आपका बेबी बॉर्न हो जाए, हो सकता है, कोशिश करते रहो, रात को 12:15 चले गए और वो 1 की जगह 2 हो गया, ट्राई आप फर्स्ट को कर रहे थे। तो ये हमारी डेस्टिनी है जो बेस्ड होती है हमारे कर्मास पे, हमारे प्रारब्ध पे। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारे हाथ में क्या है। लेकिन पुराना क्या किया हमने लाइफ में, क्या किया है, क्या कर्मा हम लेकर आ रहे हैं, वो सब कुछ है हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में। बट ठीक है, अब उसको बार बार निकालेंगे, निकालने से कुछ फायदा नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है लाइफ का, कि अब जो है वो यही है, इसको हम एक्सेप्ट करें और इसके बेसिस पे हम जो बेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, हम वो करने की कोशिश करें। वो बेस्ट कैसे कर सकते हैं आप? जब आप ये समझ जाएं कि ये डेट ऑफ बर्थ तो मुझे मिला है, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ मुझे क्या चीजें पॉजिटिव दे सकता है, क्या नेगेटिव दे सकता है, पॉजिटिव को कैसे मैं और एनहेंस करूं अपने अपने मतलब के लिए, और नेगेटिव को अगर जीरो नहीं कर सकते तो कैसे उसका इम्पैक्ट में इतना मिनिमाइज कर लूं कि वो मुझे बॉदर करना बंद कर दे। सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ होता है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में इतने टॉपिक्स हैं, इतने टॉपिक्स हैं। कोर्ट केस होगा वो पता चल जाएगा, हेल्थ इशू है वो मेडिकल न्यूमरोलॉजी की क्लास कल से शुरू भी हो रही है, छोटी सी क्लास पूरी वैदिक न्यूमरोलॉजी की भी हो रही है, उसमें पता चल जाएगा। कुछ भी नहीं तो सिर्फ एक मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर से आप इतनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो जब पूरा जानोगे तो ये एक ओशन है, उस ओशन की आज एक छोटी सी ड्रॉप है जो हम पढ़ेंगे, विच इज हमारा टुडेज टॉपिक। आपकी शादी की छोटी सी एक मैं एनालिसिस के बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे हमें पता चल सकता है। चलिए, बहुत सारे लोग होंगे जो शायद न्यूमरोलॉजिस्ट हैं भी, और बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार शायद इस सब्जेक्ट से ही आज पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ आपका ड्राइवर और कंडक्टर रूट नंबर एंड डेस्टिनी नंबर निकालना, सबसे पहले हम ये सीखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी में लग्न कुंडली कैसे बनाई जाती है। आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस कोई मैम, डेट ऑफ यस बर्थ दिखिए। है? थैंक यू सर। कोई डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 16/2/1991। मैडम बेटर होगा किसी और का ले लीजिए, अगर पार्टिसिपेंट में से कोई पार्टिसिपेट जी कर जी रहा जी है। सर, हैंडस कर सकते हैं आप लोग,
अगर आप में से कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करना चाहता है तो उनकी लग्न कुंडली आज हम बना बनाना सीखेंगे। जी। कैमरास सुभद्रा जिनके ऑन है सुभद्रा सिंह प्लीज। जी का ले लेते हैं। सुभद्रा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1969। 20 सितंबर। सुभद्रा 20 1969। ये सुनी हुई आवाज है मेरी। अच्छा सुभद्रा जी अब जी तो मेरी ठीक है, या क्लास डेट ऑफ बर्थ के। ठीक है? यस सर। ये डेट ऑफ बर्थ जो स्क्रीन पे दिख ये रही है हाँ सही है? यस सर। चलिए अब आप म्यूट कर लीजिए। चलिए देखिए सबसे पहले हम बेसिक सीख लेते हैं कि हम एक डेट में रूट नंबर कैसे निकालते हैं और हम एक डेट में डेस्टिनी नंबर को कैसे निकालते हैं। रूट नंबर होता है आपका इंटरनल नेचर, वो कैसे निकलेगा। जो ये 20 है इसको हमने प्लस कर दिया सिंगल डिजिट तो रूट नंबर आया 2। और अब पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब हम टोटल कर देंगे 2 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 तो ये आ जाता है हमारा डेस्टिनी नंबर। ये जो जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा डेस्टिनी नंबर हमारे पास आएगा 29 1969। ठीक है ये हमारे पास आ गया 9। 36 आया था इसका टोटल। 36 को मैंने फर्दर स्प्लिट किया तो सिंगल डिजिट में मेरे पास आ गया 9। अब हम क्या करेंगे यहाँ से। अब मैं सिखाऊंगी आपको लग्न कुंडली कैसे बनाई जाती है। हमने रूट डेस्टिनी सीख लिया क्योंकि रूट और डेस्टिनी की हमें आगे बहुत जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं हम लग्न कुंडली कैसे बनाएंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 1969। यहाँ पे कैसे बनती है। लग्न कुंडली का मतलब है डेट प्लस मंथ। इसको टोटल कर दीजिए इन अ सिंगल डिजिट। आपने इसे यहाँ पे टोटल करना है सिंगल डिजिट पे आपको इसे लेके आना है। तो आपका जो डेट है वो है 20, मंथ है 9। इसका मतलब यहाँ फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ 20 प्लस 9 तो क्या आ गया मेरे पास 29। 29 को फर्दर स्प्लिट किया 2 प्लस 9 11 आ गया। 11 को फर्दर स्प्लिट किया 1 प्लस 1 तो क्या आ गया 2। अब मेरे पास लग्न कुंडली के लिए पहला जो नंबर आया है सबसे पहला नंबर फॉर माई लग्न कुंडली इज नंबर 2। ये आया है मेरे पास नंबर। ओके दिस इज द नंबर दैट आई हैव नाउ। अब इस नंबर में कुंडली कैसे बनेगी लग्न की ये देखिए। हमने लिया 3 बाय 3 ग्रिड। अभी मैं कोई वैदिक ग्रिड नहीं बना रही हूँ, अभी मैं कोई सिफेरियल ग्रिड नहीं बना रही हूँ, सिर्फ एक लग्ना कुंडली बना रही हूँ। ये लिया हमने जो भी सबसे पहला नंबर है। इसमें कितने हाउसेज है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं 9 हाउसेस। जो 9 हाउसेस हैं उनके अंदर अब मुझे ये जो प्लैनेट्स हैं इनको प्लेस करते जाना है इन प्लैनेट्स को। तो सबसे पहला जो हम हाउस मानते हैं वो कौन सा होता है। ये होता है हमारा फर्स्ट हाउस। ये होता है हमारा सेकंड हाउस। फिर आता है थर्ड हाउस। दिस इज माय फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस। सेवेंथ हाउस। एट्थ हाउस एंड 9th हाउस। ये हाउसेस तो हमारे फिक्स हो गए। जो हम डिजिट्स यहाँ पे फिल करेंगे वो वेरी करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बोला लग्न कुंडली के लिए आया है नंबर 2। तो जो नंबर 2 है यहाँ पे उसे हम फर्स्ट हाउस में प्लेस कर देंगे 2। अब 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3। सेकेंड हाउस में हमने उसे प्लेस किया। फिर आता है 4। हमने उसे फोर्थ हाउस में प्लेस किया। सो ऑन सो फोर्थ हम इस तरह से नंबर्स को प्लेस करते जाएंगे। और 9 के बाद आ गया 1। हमने इस तरह से कुंडली बनाई है लग्न कुंडली न्यूमरोलॉजी की लग्न कुंडली। और हमने हाउसेस में नंबर्स को प्लेस कर दिया है। ठीक है यहां तक समझे हम कि हमने लग्न कुंडली कैसे बनाई।
अब मैंने आपको ये क्यों बनवाई है, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं टाइमिंग ऑफ मैरिज। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास में और सिखाऊंगी जब मैं आपको दशाएं निकालना सिखाऊंगी। एक होती है हमारे पास महादशा, एक होती है हमारे पास अंतरदशा, और एक होती है हमारे पास प्रत्यंतर दशा। मैरिज के टाइम में सबसे ज्यादा जो हमें इंपॉर्टेंट होती है वो होती है अंतरदशा। वैदिक न्यूमरोलॉजी में अंतरदशा सिर्फ 1 साल के लिए रहती है, वो किसी भी प्लैनेट के लिए आए 1 साल के लिए रहती है। प्रत्यंतर दशा कुछ डेज के लिए रहती है, और महादशा किसके लिए रहती है, वो चलती है हमारी ईयर्स में। अगर हमारी 1 नंबर की महादशा है तो वो 1 ईयर पूरा चलेगी, 2 नंबर की है तो वो 2 ईयर्स के लिए चलेगी, 3 नंबर की है तो वो 3 ईयर्स के लिए चलेगी, सो ऑन टिल नंबर 9, तो वो 9 ईयर्स के लिए चलेगी। अब एक बच्चा है, सपोज वो 20 ईयर्स का है, अभी तो वो पढ़ाई कर रहा है, उसकी दशा चल गई 6 नंबर की, चल गई 6 नंबर की दशा बहुत अच्छी होती है शादी के लिए। 20 ईयर्स की एज पे सपोज उसकी 6 नंबर की दशा चल गई, तो हम ये तो नहीं कह देंगे कि हाँ अभी 6 नंबर की दशा चल गई तो अभी इसकी शादी करा दो 20 साल पे। 20 ईयर्स से लेके 26 की एज तक उस इंसान की नंबर 6 की दशा चलेगी। तो मतलब टाइम तो अच्छा है, योग तो खुल गए हैं शादी के, लेकिन अभी वो शादी के लिए रेडी नहीं है। तो टाइमिंग को और एग्जैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम अंतरदशा देखते हैं, क्योंकि अंतरदशा हमेशा 1 ही साल की होती है, चाहे वो किसी भी प्लैनेट की हो। तो अगर हमारे पास अंतरदशा, अब मैरिज के लिए एक कौन दो चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैरिज की जो दशा है उसके लिए सबसे अच्छा नंबर कौन सा होता है, मैरिज की दशा के लिए 6 अच्छा होता है, 3 अच्छा होता है, या तो वीनस की दशा में या जुपिटर की दशा में। राहु की भी दशा में हो सकती है शादी, लेकिन सबसे अच्छे जो पीरियड्स होते हैं वो होते हैं 6 और 3 के। ये तो जनरल हुआ सबके लिए कि 6 और 3 का जो पीरियड होता है, या तो नंबर 6 की दशा महादशा अंतरदशा चल रही हो या नंबर 3 की आ जाए, तो ये पीरियड अच्छा होता है। कुछ लोग जिनको दशा कैलकुलेट करनी आती है वो सोचेंगे कि हमारी तो ये दशा चल रही थी उसमें शादी नहीं हुई, हो भी सकता है, क्योंकि हमें देखना है महादशा अंतरदशा का रिलेशन क्या है आपस में, उस दशा का रूट नंबर डेस्टिनी नंबर से क्या रिलेशन है। इस तरह के हमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें देखने पड़ते हैं। बट मेजरली जो आप कहते हैं नंबर 6 और 3 की दशाओं में शादी करना फेवरेबल रहता है, शादी के योग खुलते हैं। और स्पेसिफिक हमें जाना है, अब ये तो जनरल हो गया सबके लिए, जब हमें इसमें और ज्यादा स्पेसिफिक अगर जाना है तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस हम देखेंगे कि ये जो हमारी लग्न कुंडली है, इस लग्न कुंडली में फर्स्ट हाउस के प्लैनेट की दशा या फिर 7th हाउस के प्लैनेट की दशा अंतरदशा अगर चलेगी, महादशा और एंड अंतरदशा अगर चलेगी, मतलब और एग्जैक्ट हो गया कि इस पीरियड में आपकी शादी हो सकती है। कोई थका हारा इंसान आपके पास आया है, शादी नहीं हो रही, तो आप देख सकते हैं। अभी न्यूमरोलॉजी में हम दशा कैसे निकालते हैं वो चीजें हम बाद में चेक करेंगे, मैं आपको क्लास में पूरा मेथड पढ़ाऊंगी, सब कुछ सिखाऊंगी, दशा का स्कोर भी निकालना सिखाऊंगी कि 6 का भी पीरियड आया, 1st हाउस का भी पीरियड आया, 7th हाउस का भी आया, लेकिन शादी फिर भी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि शायद दशाओं का स्कोर बहुत ही डूबा पड़ा था। तो अब यहाँ पे इनका जो 1st हाउस है वहां पे कौन सा प्लैनेट बैठा है, नंबर 2। सुभद्रा जी की अगर मैं बात करूंगी तो 1st हाउस में बैठा है प्लैनेट नंबर 2, मतलब मून की दशा। और यहाँ 7th हाउस में कौन बैठा है, 7th हाउस ये वाला हुआ, इसमें बैठा है प्लैनेट 8, मतलब सैटर्न की दशा। ऐसे देखे तो सैटर्न मून की दशा का शादी से कोई वो कनेक्शन नहीं बना कि इस पीरियड में क्यों शादी होगी, लेकिन सुभद्रा जी के लिए 1st हाउस और 7th हाउस जब भी एक्टिवेट हुआ होगा उनकी शादी का इसमें योग आया होगा। और ये दशा आपको एस्ट्रोलॉजी से नहीं चेक करनी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में दशा कैलकुलेशन का अपना अलग मेथड होता है।
उसमें हम ये मत कहिएगा कि नहीं मेरी दशा तो वो चल रही थी वो चल रही थी, एस्ट्रोलॉजी से क्या चल रही थी उससे मुझे अभी मतलब नहीं है। न्यूमरोलॉजी में हम दशा को अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास चार दशाएं आ गई जब शादी का पीरियड चला हुआ हो सकता था। मून की, सैटर्न की और वीनस और जुपिटर, तो एक जनरल दशा होती ही है कि जिसमें शादी करना शुभ माना जाता है। सुभद्रा जी की लाइफ अगर मैं देखूंगी तो ये मेरे पास आ गई। तो बहुत सारी चीजें होती हैं प्रिडिक्शन के लिए। फर्स्ट हाउस में प्लैनेट 2 बैठा हुआ है, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम या आईसाइट की प्रॉब्लम होगी। सुभद्रा जी है आपको नहीं मैम, आई सेट अब थोड़ा सा आया है बिकॉज आया ऑफ है? ठीक एज, है, यस। सो बिकॉज 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 ऑफ अब आपकी एज। जो दशा है वो एक्टिवेट हुई होगी, उसका स्कोर अब उसमें कम गया होगा, ठीक है। इसलिए आईसाइट का ध्यान हमेशा रखना चाहिए इन लोगों को। थोड़ी सी हो सकता है कि इनकी लाइफ में लोनलीनेस की भी फीलिंग आए, तो वो सब कुछ हम बहुत सारी चीजें, यस आते हैं सुभद्रा जी, यस यस मैम है। ठीक है। कैसे बोला ये सब कुछ मुझे आपका सिर्फ अभी लग्न कुंडली देख के समझ आ रहा है। कैसे मैंने बताया वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी, क्यों इतनी सी चीज देके बोल दिया। दांतों की प्रॉब्लम, स्किन इश्यू का भी ध्यान रखिएगा सुभद्रा जी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने ये देखा, ये हमने छोटा सा एक चीज पढ़ी कि टाइमिंग ऑफ मैरिज पे हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि पहले तो मैरिज कराएं उसके बाद फिर प्रॉब्लम आती है मैरिज में, उसके बाद देखना है कि मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है। अब मुझे कोई अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ, कोई भी हैंड रेज कर लीजिए जिनकी शादी में चल रही है प्रॉब्लम, जिनको भी थोड़ा सा इश्यू आ रहा है अपनी मैरिज में, कोई भी हैंड रेज करिए। राजेश्वरी जी, देयर इज इश्यू इन योर मैरिज, यस मैम, बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। अब मैं आपको सिखाती 8/12। हूँ कि इश्यू आया है तो क्यों आया है और क्या ये कंपैटिबिलिटी का इश्यू है। जी बोलिए राजेश्वरी जी। 8/12/1985 8/12/1985, और हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 16/7 ठीक से बताइए जी, 16/7 जी। 1976 है उसका। ठीक है राजेश्वरी जी, नोटेड। अब यहाँ पे मैंने रूट नंबर निकाला 8, तो वो तो सिंगल डिजिट 8 है, मुझे कोई जरूरत ही नहीं उसकी। अब यहाँ पे राजेश्वरी जी का किया है तो इनका डेस्टिनी कितना आया? डेस्टिनी है इनका 8/12/1985, तो डेस्टिनी आ गया इनका 7। इनके हस्बैंड का रूट हो गया 7 और डेस्टिनी कितना हुआ इनके हस्बैंड का? 16/7/1976, डेस्टिनी हो गया 1। अब हम समझते हैं मेथड कि क्यों इनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, ओके। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा लेके जाऊंगी, अभी फ्रेंडशिप टेबल की तरफ भी मैं आपको लेके जाऊंगी, आपको फ्रेंडशिप टेबल के बारे में बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। शादी को मैच करने के लिए देखिए बहुत सारी मेथड्स हैं, अभी मैं एक मेथड बता रही हूँ। जो रूट नंबर है उसको रूट नंबर से मैच कर लीजिए, जो लाइफ पाथ नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, उसको डेस्टिनी नंबर से मैच कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना है आपको, रूट को और डेस्टिनी को मैच करना है और इनके रूट को और इनकी डेस्टिनी को मैच करना है। ये चार चीजें मैच कर ली हमने। तो राजेश्वरी जी का 8 है और यहाँ पे है 7, ठीक है। तो 8 और 7 ये लोग, मैं बोर्ड, एक मिनट रुकिए, बोर्ड को एक मिनट दीजिए मुझे ना, मैं अगर बोर्ड को ला सकती हूँ क्या। मैं आपको पहले फ्रेंडशिप टेबल, चलिए एनीवेज ऐसे ही कर लेते हैं हम, जो नंबर 8 होता मैडम है कुछ हमारा, लोग ठीक नए है। हैं तो उन्हें थोड़ा सा जल्दी से ये भी बताइए कि रूट और डेस्टिनी नंबर कैसे निकला है। कुछ लोग अच्छा नए फिर से जुड़ते हैं बता, ना, हमेशा कुछ ना कुछ लोग नए जुड़ते हैं। जी 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 सर, फिर से बता देती हूँ मैं, शुरू में तो अभी किया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए जो रूट नंबर है वो आपने कैसे कैलकुलेट किया, अब राजेश्वरी जी का है 8/12/1985, तो इनका रूट नंबर क्या होगा, जो इनका ये सिंगल डिजिट यहाँ पे डेट आ रही है ये हो गया इनका रूट नंबर। इसी तरह इनके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 16/17/96, तो यहाँ पे रूट नंबर क्या हो जाएगा, जो डेट है मतलब 16, इसको सिंगल डिजिट में कर देंगे, 1+6 इज 7,
ये आया रूट नंबर। अब डेस्टिनी कैसे आएगा? पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप टोटल कर देंगे, 8 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 5। पूरी डेट ऑफ बर्थ को आपने जब टोटल किया तो ये आया सिंगल डिजिट 7 पे, ये आया आपके पास सिंगल डिजिट 7। इसी तरह जब इनके हस्बैंड के डेट ऑफ बर्थ को हमने पूरा टोटल किया, 1 + 6 + 7 + 1 + 9 + 7 + 6, तो ये आया 1। सिंगल डिजिट में हमें लेके आना है, जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं तो हमें मिलता है डेस्टिनी नंबर, जब हम सिर्फ डेट को टोटल करते हैं तो हमें मिल जाता है रूट नंबर। यहां तक सभी लोगों को क्लियर हुआ? अब मैं एक फ्रेंडशिप टेबल पढ़ाती हूँ, इसके बाद आपको फ्रेंडशिप टेबल लिखवाऊंगी भी, सो दैट सब लोग कैलकुलेट कर ले मेरे साथ। जल्दी 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 कैलकुलेट कीजिएगा। हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेंडशिप टेबल को पढ़ लेते हैं। जो नंबर 1 है, नंबर 1 के लिए हमारे पास फ्रेंडली नंबर्स कौन से होते हैं, हमारे पास नॉन फ्रेंडली नंबर्स कौन से होते हैं, न्यूट्रल नंबर्स कौन से होते हैं। इसके बाद आपको ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर नंबर 1 की बात करेंगे तो 1 के लिए फ्रेंडली क्या हुआ, 2, 3, 5, 6, 4, 7, 1। एनिमी हुआ 8, और न्यूट्रल में क्या आ गया, 1, 6, 4। फ्रेंडली भी है, न्यूट्रल भी है इनके लिए। नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो 1, 5, 3, 7, 2, ये इनके लिए आए गुड नंबर्स। 8, 4, 9 इनके लिए आया नॉन फ्रेंडली नंबर, और 6 और 2 इनके लिए न्यूट्रल में भी आ गया। 2 मतलब फ्रेंड भी है, न्यूट्रल भी है। इसका क्या फंडा है पूरा क्लास में मैं बताऊंगी। नंबर 3 जब आपके पास आया तो क्या है, 1, 5, 3, 9, 7, 2। नॉन फ्रेंडली नंबर क्या हुआ 3 के लिए, 6 हुआ, और न्यूट्रल क्या हो गया, 4, 8 और 9 हो गया। नंबर 4 के लिए देखेंगे हम, 7, 6, 1, 3, 5, एनिमी हो गया इनके लिए 2, 9, 4, 8। और 2, 9, 4, 8 एनिमी करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, न्यूट्रल में आ गया, कुछ भी नहीं बचा। यहां तक समझ आया सब लोगों को? 1, 2, 3, 4, ये होती है हमारी यहाँ तक की 1, 2, 3, 4 की फ्रेंडशिप टेबल। अब अगर मैं इससे आगे बढ़ती हूँ आपके लिए, 5, 6, 7, 8। अब अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे 5, 6, 7, 8 की टेबल पे, अगर मैं आ जाती हूँ 5, 6, 7, 8, 9, तो मेरे पास क्या आया, 5, 6, 7, 8। अब 5 के लिए मेरे पास लकी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कोई दुश्मन भी नहीं है, कोई न्यूट्रल भी नहीं है। नंबर 6 अगर मेरे पास है तो लकी हुआ 1, 5, 7, 6, 4, 8। एनिमी क्या हुआ यहाँ पे, 3 और 9, और न्यूट्रल क्या हुआ मेरे पास, 2। नंबर 7 की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारा लकी में चला गया। नंबर 8 की बात करेंगे तो 3, 5, 6, 7 यहाँ पे आया, एनिमी में आया इनके पास 1, 2, 4, 8, 9, और न्यूट्रल में गया, कुछ भी नहीं। लास्ट अगर मैं नंबर 9 की आपसे बात करूंगी तो नंबर 9 की फ्रेंडशिप टेबल में हमारे पास कौन आया, 1, 3, 5, 7, यहाँ आया 2, 4, 6, 8, और यहाँ आया मेरे पास 6 और 9। ये हो गई हमारी फ्रेंडशिप टेबल। मैंने आपको सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब कुछ लिखवा दिया है। अब हमें देखना है कि राजेश्वरी जी की शादी में प्रॉब्लम जो आ रही है वो क्यों आ रही है। व्हाई इज शी फेसिंग इश्यूज? इश्यूज जो फेस कर रहे हैं अब वो यहाँ पे हम समझते हैं। मैंने आपको बोला जो रूट नंबर है उसको रूट नंबर से मिलाइए, तो एक रूट नंबर है मेरे पास, ये है मेरे पास राजेश्वरी जी का, ये है मेरे पास उनके हस्बैंड का। पहले हम करेंगे रूट नंबर को मैच, फिर हम करेंगे डेस्टिनी को मैच, और उसके बाद हम देखेंगे क्रॉस क्रॉस रिजल्ट को मैच।
तो रूट नंबर है राजेश्वरी जी का 8 और हस्बैंड का है 7। तो 8 और 7 आर दे फ्रेंड्स? यस दे आर फ्रेंड्स। ठीक है यस। तो इस वजह से रूट नंबर की मैचिंग यहाँ पे पूरी हुई। अब डेस्टिनी देखेंगे, राजेश्वरी जी का है 7 और इनके हस्बैंड का है 1। तो आर दीज फ्रेंड्स? यस। अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, इसलिए डिवोर्स के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हमें। ऐसा नहीं है कि शादी में प्रॉब्लम है तो अभी पूरा डिवोर्स ही हो जाएगा। बाकी हमें और एनालिसिस करनी होती है डीप में जाके। कभी कभी दशाएं हमारी इतनी बुरी चलती है कि हमें नहीं पता चलता जब हमारे ट्रांजिट में नंबर्स आते हैं कि क्या करा जाए, वो हम और एनालाइज करेंगे। बट एज ऑफ नाउ अब आपको रूट नंबर को डेस्टिनी से कंपेयर करना है और इस डेस्टिनी को रूट नंबर से कंपेयर करना है। तो राजेश्वरी जी का रूट नंबर हुआ 8 और उनके हस्बैंड का हुआ डेस्टिनी 1, और राजेश्वरी जी का डेस्टिनी हुआ 7 और हस्बैंड का हुआ 7। 8 और 1 ये कैसे दुश्मन है? दीज आर एंटी नंबर्स, दीज आर टिपिकली एंटी नंबर्स। अगर 8 और 1 आ गए एक छत के नीचे तो इतनी लड़ाई होगी, इतनी समस्याएं होंगी, इतनी अंडरस्टैंडिंग के कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे मैच हो गया, यहाँ पे मैच हो गया, यहाँ जाके गड़बड़ हो गई। और 7 कहने के लिए ये फ्रेंड्स हैं, ठीक है, क्योंकि 7 और 7 साथ साथ आ गए। एक 7 नंबर वाले की शादी अगर 7 नंबर वाले से होती है तो वो टिक जाती है, चल जाती है। लेकिन नेचर दोनों का ही अलग तरीके का रहता है। नेचर कुछ इस तरीके का रहता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, अपनी बातों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं ये लोग प्रॉपरली। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के भी इश्यूज होते हैं। एक जाएगा साउथ पोल तो दूसरा जाएगा नॉर्थ पोल। राजेश्वरी जी प्लीज अनम्यूट। राजेश्वरी जी? यस यस मैम, यस सही है। ठीक है, यही सब हो रहा है आप लोगों के साथ? एक्चुअली मैम सेपरेट हो गए अभी हम, बट क्योंकि हाँ था ये मैंने, सब। हाँ ये सब था। और सेपरेशन क्यों? क्योंकि अब इन नंबर्स के साथ जब दशाएं ऐसी आएंगी तो उन दशाओं ने सेपरेशन करा दिया होगा। सैटर्न की दशा आ जाएगी या सूर्य की भी दशा अगर इनकी लाइफ में आ जाएगी तो वो बहुत प्रॉब्लम करा देगी। यस मैम, इसीलिए मैंने बोला कि ये नंबर्स तो ऐसे हैं कि जो सेपरेशन फिर भी बचा सकते हैं, लेकिन दशा का हमें कुछ नहीं पता। हमें प्रॉब्लम मिल गई। एंड क्यों राजेश्वरी जी ने हमें अभी टेस्टिमोनियल दे दिया कि यही सब इश्यूज थे? बिकॉज वो हमें क्लियरली यहाँ से आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ठीक है चलिए, ओके राजेश्वरी जी, आप कोई और थैंक दीजिए। माई प्लेजर। दोबारा से कब आप किसके साथ सेटल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं हम क्लास में। आप मुझे कोई और दीजिए डेट ऑफ बर्थ जिनको आ रही है प्रॉब्लम। अब मैं दूसरा मेथड आपको पढ़ाती हूँ जी। कौन देंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ जिनको आ रही है प्रॉब्लम? 1+ जी मैडम, गाड़ी मैम यू चलाएं, ड्राइविंग किन? ड्राइविंग कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए। और जिनका कैमरा ओपन है कोशिश करेंगे उनको ही ले लेते हैं। आंचल जी का ले लेते हैं। जी 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 सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/7 जी आंचल जी नाइन बोलिए। यस थोड़ा सर, तेज मेरी बोलिए डेट आंचल जी। 1787 सेवेंटी एंड सेवन 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 मैडम, अच्छा 1787। हाँ जी, सेवेंटीन 1987 सेवन 1987। और हस्बैंड की क्या है? 23/1 23/1 1988 1988। अब इनका रूट नंबर ले लेते हैं, क्या है? 8 है। डेस्टिनी क्या है इनका, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे रूट नंबर 8 आया, डेस्टिनी आ रहा है 17/7 1987। डेस्टिनी आया 4। आपके तो खुद के भी सर में दर्द रहना, नेगेटिव थिंकिंग रहना, आईज का इश्यू होना, कुछ है? अनम्यूट कीजिए आंचल जी। यस मैम, है ये ऑल सारे टाइम, इश्यूज आपके? ऑल ठीक टाइम।
और इतना नेगेटिविटी रखोगे तो शादी में कहीं पे तो वो ट्रांसेंड होगी। आपका तो डेट ऑफ बर्थ देखते ही बोल दिया, मैचिंग भी नहीं की अभी तो मैंने। ये ना मतलब कुछ और पूरा, अगर आप ये लोग पढ़ लो, अगर आप लोग ये पढ़ लो ना, तो आप इतना डेप्थ में जा सकते हो कि यू कैन इमेजिन ऑल्सो। हस्बैंड थोड़ा अपनी मर्जी की करना, अपना जैसे जो सोचना है, जैसे मन में आया वैसे करना, वो सब चीजें रहती हैं हस्बैंड के साथ। यानी देखिए कंपैटिबिलिटी जो भी होती है ना, सबसे पहले आंचल जी क्यों यस बोल रहे हैं सारी चीजों को, क्योंकि सबसे पहले तो आप मतलब एक मन मौजी इंसान, कि जो मैंने सोच लिया हाँ मैं वैसे ही कर रहा हूँ। मन लग गया किसी में तो मन लग गया, नहीं तो अलग अलग चीजों में भी, बट जो मैं जैसे चाह रहा हूँ वैसे करता रहा। है ये सारी चीजें यस यही है, सही ठीक है है। तो बिल्कुल। पहले तो, सबसे पहले तो ना मैरिज को समझने के लिए एक पर्सन का नेचर अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका नेचर आप नहीं अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपरली, तब तक आप कैसे मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं बिठा सकते। तो नेचर सबसे पहले मैरिज में नेचर समझिए किसी का। मैंने ग्रिड देखते, नंबर्स देखते, पहले आंचल जी का वो बताया, फिर उनके हस्बैंड का नेचर बताया। अब उसके बाद देखिए मेथड क्या होता है। दूसरा मेथड है, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ नंबर्स। ये जो मेथड है इसे कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ नंबर्स। अब ये हमें कैसे देखना है, यहाँ पे अगर मैं देखूंगी नंबर्स जो वाइफ के पास हैं, आंचल जी के पास यहाँ पे क्या नंबर्स हैं, 1 है, 7 है, 8 है, 4 है। वैदिक में हम सेंचुरी को कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने 9 नहीं लिखा है यहाँ पे। ये हो गए वाइफ के पास जो टोटल नंबर्स हैं, रूट, डेस्टिनी और डेट ऑफ बर्थ को मिला के। अब मैं इनके हस्बैंड के नंबर्स ले लेती हूँ कि हस्बैंड के नंबर्स क्या क्या है। हस्बैंड के पास है 2 है, 3 है, 1 है, 8 है, 5 है, ठीक है। ये नंबर्स हैं इनके पास। 1 नंबर दोनों के पास है, 7 नंबर हस्बैंड के पास नहीं है तो आंचल जी ने इनको 7 की पावर दे दी। 2 नंबर आंचल जी के पास नहीं है तो इन्होंने आंचल जी को 2 की पावर दे दी। 3 की पावर दे दी इन्होंने। 8 दोनों के पास है, 5 और 4 भी इन लोगों ने एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे बिल्कुल एक्सचेंज ऑफ नंबर्स नहीं हो रहा होता तो मैं ऐसे ही कह देती कि किसी ना किसी पॉइंट के बाद आपकी शादी में सेपरेशन की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट आंचल जी यू आर विद योर हस्बैंड यस मैम, है पर ना, ये कंडीशंस क्योंकि बहुत बार राइज हुई है, क्या कह रहे हैं आप, कंडीशंस बहुत बार राइज हुई है सेपरेशन कंडीशंस की। बहुत सारी राइट नहीं है जी, वो नहीं, नहीं हाँ जी होंगे। और मेजर रोल मैं आपको जो रेमेडी भी दूंगी ना, मैं आपको सैटर्न की रेमेडी दूंगी। मेजर जो खराब करने का रोल प्ले हो रहा है वो सैटर्न की वजह से हो रहा है आप लोग की लाइफ में, मैरिड लाइफ। इन लोगों ने इतने नंबर्स को एक्सचेंज किया। वाइफ ने कितने नंबर्स दिए हस्बैंड को, 2 नंबर्स, और हस्बैंड ने कितने दिए, 1 2 3 4, हस्बैंड ने दिए 4 नंबर्स। किसको ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन है आंचल जी, आपको या हस्बैंड को? आपको जी मैम, है डिससैटिस्फैक्शन? क्यों है डिससैटिस्फैक्शन? क्योंकि आपकी ग्रेड से नंबर्स आप नहीं दे पा रहे हैं हस्बैंड को ज्यादा। जो इंसान देता है, आज मेरे पास बहुत पैसे हैं, सपोज मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए मेरे पास ऐसे ही आ जाते हैं, एक चुटकी में आ जाते हैं, तो मैं उसमें से लाखों का डोनेशन भी कर दूं देकर तो मैं खुश हूं फिर भी। लेकिन जो इंसान के पास चीजें नहीं है, उसको मैंने 1 लाख दे भी दिया ना, उसका खर्च हो जाएगा, वो फिर परेशान हो जाएगा उसी चीज के लिए। तो इसी तरह इनके हस्बैंड ने इनको 4 नंबर्स दे दिए, इनको 4 नंबर्स की पावर इनके पास बढ़ा दी। हस्बैंड प्रॉब्लम हस्बैंड की तरफ से भी होगी, वाइफ की तरफ से भी होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन डिससैटिस्फैक्शन ज्यादा क्यों है वाइफ को? डिससैटिस्फैक्शन क्यों है वाइफ को? वाइफ के पास देने के लिए ज्यादा है ही नहीं हस्बैंड के, हस्बैंड को वाइफ ज्यादा नहीं दे पा रही है। कोई रिश्ता है, इसको ऐसे समझिए, कोई रिलेशनशिप है, कैसे चलती है? वी से गिव एंड टेक। सुनने में बुरा जरूर लगता है ये वर्ड गिव एंड टेक, ये हस्बैंड वाइफ है गिव एंड टेक यू, बट नॉट जस्ट हस्बैंड वाइफ, हर रिलेशनशिप में आप टेबल पे जब कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो रिलेशनशिप चलती है।
हस्बैंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने ग्रिड से, अपने डेट ऑफ बर्थ से 4 नंबर्स, वाइफ सिर्फ 2 कर रही है। शादी टूटेगी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम रहेगी, और बचेगी भी क्यों, हस्बैंड के नंबर्स की वजह से। आखिर भी रोज ओम शम शनिश्चराय नमः, इसको चैंट कीजिए, रोज चैंट कीजिए। और मैं आपको बोलूंगी कि सुलेमानी हकीक की जो रिंग होती है उसको तुरंत पहन लीजिए, आपकी लाइफ में बहुत बेनिफिट आएगा। आपकी जो ये मन की अशांति रहती है ना, कभी लीजीनेस, कभी अशांति, कभी सुस्ती, अच्छा हर चीज में हर्डल, डिले, स्ट्रगल, ये चीजें आपकी कम होने लग जाएंगी। ओके मैम, एनर्जाइज सुलेमान हकीकी आप रिंग पहन सकते हैं। ओके ये आपको मैम नहीं मिली तो सर से आपसे बात कर सकते, हाँ आप सर से बात कर सकते हैं, ठीक है, मैम कभी इनका भी कॉल मंत्र कर क्या था? लीजिए। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ये दो चीजें कीजिए आपकी लाइफ में। बाकी पूरा चार्ट नहीं रीड किया है मैंने, लेकिन ये दो चीजें करने से आपके मन की शांति जरूर आ जाएगी, मैं गारंटी कर रही हूँ। आपके पास पॉजिटिविटी इतनी आ जाएगी कि आप आगे बढ़ने लग जाओगे। अब आई होप ये मेथड सब लोगों को समझ में आया है। अब मैं एक छोटा सा कुछ जनरल सा मेथड दे रही हूँ सब लोगों को। नंबर 5 और नंबर 6, अगर ये नंबर्स मिसिंग है तो शादी में प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन हो सकता है ये नंबर्स मिसिंग है, शादी चल रही है, शायद नेम से इसकी पावर आ रही हो, शायद मोबाइल नंबर से इसकी पावर आ रही हो, क्या हो सकता है कि दशा पे दशा ऐसी चल रही है, कभी आपकी दशा अच्छी, कभी हस्बैंड की दशा अच्छी, कभी एक ही दशा अच्छी, कभी एक ही दशा अच्छी, तो वो आपको बचा के लेके जा रही है। लेकिन अगर नंबर 6 और 5 दोनों ही एब्सेंट हैं तो प्रॉब्लम आती है शादी में। कर्व्ड नंबर्स जो होते हैं ना, कर्व्ड नंबर्स, शादी किस चीज पे चलती है, विल पावर पे। ईगो को हटाना पड़ता है, फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है, विल पावर अच्छी रखनी पड़ती है, इन चीजों पर हमारी शादी चलती है। तो आपके पास कर्व्ड नंबर्स होते हैं। अब कर्व्ड ऐसे देखोगे स्ट्रक्चर वाइज तो बहुत सारे नंबर्स हैं जो कर्व्ड होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नंबर्स उसमें से ऐसे होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ ये नंबर्स हैं तो ये नंबर्स हमारी शादी को बचा के रख ही लेंगे। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे नंबर 2, नंबर 2 हमारी शादी को बचाने में हेल्पफुल रहता है। नंबर 7 भी क्या करता है, नंबर 7 मतलब डीप अंदर तक घुसना किसी चीज के, एक डीप कमिटमेंट लेके आता है। जितने लोग PhD, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट डॉक्टरेट भी करते हैं ना लोग तो आजकल, तो उन सबके पास ना 7 नंबर की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग होगी, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग होगी। और देखिए जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसे मैं एक छोटी सी क्लास में पूरा कवर नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारी चीजें अभी आपको नहीं भी समझ आ रही होंगी, शायद लग रहा होगा कि ऐसा है तो क्या होगा, वो है तो क्या होगा, क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो हम सारी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। जी, तो मैडम क्लास के बारे में बता दो, क्या पढ़ाने वाले हो? देखिए जी 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 सर, सर कोर्स कंटेंट मैडम शेयर की कर दीजिए। तीन तीन अपकमिंग क्लासेस आ रही हैं, तो सबसे पहले तो आप सब लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी में। जैसा कि हमने पिछली बार ऑफर दिया था 1770 रुपये का, तो मैडम ने कहा है कि ये सबके लिए ही कर दो, तो हमने इसको 1770 रुपये कर दिया है सभी के लिए। तो ये 5 डेज की ये क्लास है मेडिकल न्यूमरोलॉजी को लेकर, जिसमें हम मेडिकल के बारे में बहुत सारी चीज़ों को रिवील करेंगे, और मैडम ने ये 2 से 3 बार क्लास कंडक्ट कर भी ली है। अगर आप में से किसी ने भी इसका वेबिनार मिस किया है, तो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है मनीष के मौर्या, ये आपको ऊपर आइकन दिख रहा होगा, MANIESHKMAURYA, मनीष के मौर्या। आप YouTube चैनल पे जाएंगे तो लाइव सेशन में आपको ये दिख जाएगा। आप सब क्लास ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन इस वेबिनार को आपको जरूर देखना है, क्योंकि हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। 3rd of April यानी कल से स्टार्ट हो रही है, कल 12:12 मतलब सुबह से ही, ये आफ्टरनून टाइम से ही ये स्टार्ट हो जाएगी। कंप्लीट सारी क्लासें लाइव ऑन जूम रहने वाली हैं, सभी का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा सभी जो भी ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा
जो भी क्लास लाइव होती है वो रिकॉर्ड होती है, और अगर आपने किसी कारण से मिस कर दी है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि 6 मंथ तक आपके पास रहती है। सारे नोट्स भी आपके पास 1 साल तक हम देते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7665555956। कल मैडम की एक और क्लास भी स्टार्ट हो रही है, वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इसका वेबिनार भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, और इसकी एनर्जी एक्सचेंज भी 1770 रुपये है। अभी तक जिसने भी ये ज्वाइन नहीं किए है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर ज्वाइन कीजिए। 3rd of April यानी कल से 3 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग रहेगा। इसमें भी सारी की सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, लाइव रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन और PDF नोट्स 1 ईयर के लिए। 1770 रुपये इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। 5 दिन की ये क्लास है, और ये सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी ही नहीं है, ये है एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इसमें आप प्रिडिक्शन भी कर सकेंगे और अपना एक अच्छा नंबर भी डिजाइन कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप एक नया नंबर लेकर अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं। इसका वेबिनार भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आज हम जिस चीज को लेके मिले हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये टुकड़ों में काम नहीं कर सकते, कभी मेडिकल करें, कभी मोबाइल करें, कभी नेम करें, कभी बिजनेस करें, तो उन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास ये डिजाइन की गई है। ये 12 दिन का एक्सक्लूसिव कोर्स है, सब कुछ पोस्टर के अंदर लिखा हुआ है। ये एक प्रोफेशनल वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी की कॉस्ट जो है वो 11,111 रुपये है, और इसके साथ में जो मिलने वाला है आपको, वो सारे के सारे फ्री कोर्सेज हैं आपको डिस्काउंट के रेट में। इसके अंदर आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्ड 1770 रुपये जो हमने अभी डिस्काउंट रेट में दिए वो, मेडिकल न्यूमरोलॉजी जो 1770 रुपये वो, नेम न्यूमरोलॉजी जो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये की होती है, बिजनेस न्यूमरोलॉजी वो भी आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी फ्री, मैरिज न्यूमरोलॉजी जो आज आप पढ़ रहे हैं वो एक छोटा सा भाग है, उसका भी बहुत बड़ा भाग आपको पढ़ाई कराई जाएगी, वो भी आपको कम्प्लीटली फ्री मिल रहा है। और सारे के सारे कोर्स के अंदर लगभग 200 प्लस रेमेडीज भी होने वाली है। अगर कोई वो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहा है और कंप्लीट सीखना चाहता है, प्रोफेशनल करना चाहता है, आगे परस्यू करना चाहता है कि नहीं मैं भी किसी को पढ़ाऊं, तो इस क्लास को करने के बाद आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं और अपने आसपास में लोगों की ब्लेसिंग भी ले सकते हैं उनकी हेल्प करके। तो इसका एनर्जी एक्सचेंज 11,111 है, और इसमें भी आपको स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेशन, लाइव रिकॉर्डिंग सभी मिलती है। तो जिसको भी ज्वाइन करनी है ये तीनों क्लासेस, वो ज्वाइन कर सकता है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। पेमेंट करने के लिए मैं अभी आपको एक लिंक दे देता हूँ। स्टार साइन पे होने वाली हर क्लासेस का पेमेंट इसी नंबर पे होता है, तो 9675177666, ये वो नंबर है जहाँ पर आपको पेमेंट करना रहता है। पेमेंट के बाद जो स्क्रीनशॉट शेयर करना है आपको, वो करना है मेरे नंबर पर। मेरा नंबर है 7665559566। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप किसी भी तरह की कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये पेमेंट डिटेल सेव रहेगी। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। कल वाली क्लास तो कल 12 बजे से ही स्टार्ट हो रही है, तो बिल्कुल भी मत चूकिए, और कल 3 बजे वाली क्लासेस का भी आप ले सकते हैं। और जो ये कंप्लीट कोर्स आ रहा है वैदिक का, ये 11 तारीख से आ रहा है 3 बजे। 3 बजे हमारी मोबाइल वाली क्लास वैसे भी 5-6 दिन में हो जाएगी, उसके बाद हम ये क्लास स्टार्ट कर देंगे। जी, अब मैडम किसी क्वेश्चन आंसर ले लें, जी 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 सर, अगर एक चीज और आपको बताऊंगी आप बस, जी बताइए बताइए। कि न्यूमरोलॉजी की हम 200 रेमेडीज पढ़ेंगे, लेकिन जो उसकी सबसे बड़ी रेमेडी जो होती है, सबसे बड़ी मतलब इसको हम बोलते हैं गॉड रेमेडी, दैट इज योर नेम करेक्शन। और नेम भी आपकी शादी में सब कुछ मिल रहा है, अगर आपका नाम ही नहीं मिला, नाम के नंबर में प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीजें भी अगर हो गई ना, तो आपको बहुत ज्यादा इश्यू आएगा शादी में भी, लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी। तो नेम ही गॉड रेमेडी है सबसे बड़ी, तो उसको भी या तो करेक्ट करा लीजिए या कर लीजिए या समझ लीजिए कि क्या करना होता है इसमें। जी सर, ठीक है मैडम, एक एक करके आप क्वेश्चंस लीजिए। क्वेश्चन जी 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 रिलेटेड टू आज की क्लास हो जाए, या फिर आपको किसी कोर्स में कोई डाउट है, मैडम कंटेंट भी एक बार वैदिक का बता पाएंगे क्या? जी 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 बहुत सर बड़ा सर कंटेंट है, या तो फिर आप मेरे से PDF ले लेना, जिसको भी चाहिए, बहुत बड़ा कंटेंट है। अभी बताएंगे तो आपका समय भी बहुत ज़्यादा वो होता है। जी, अब हम एक एक करके क्वेश्चन ले लेते हैं। जी
जी चोपड़ा जी, मैडम थैंक यू पुरुषोत्तम नमस्कार जी। नमस्कार। सुधीर राधे मैम, मैं राधे ये जी। राधे राधे मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अगर मेरा डेस्टिनी नंबर और कंडक्टर नंबर आई मीन ये बर्थ नंबर दोनों 6 हैं, तो हाँ मेरे घर का नंबर भी 6 है, क्या ये उसमें एड ऑन करता है 6 को? क्या ये हमारे वीनस को खराब करता है? एक्सेस ऑफ क्या हम इसको सिक्स और मल्टीपल सिक्स मानेंगे? है, यस। और अगर शादी के इनफैक्ट लव मैरिज में भी अगर मतलब अगर चलिए छोड़िए, अगर 6 बहुत ज्यादा होता है तो 6 वीनस का नंबर है, ठीक है। वीनस का नंबर है लग्जरी, कंफर्ट, लाइफस्टाइल, खूबसूरती का नंबर है, सारे प्राइवेट पार्ट रिलेट होते हैं। 6 नंबर मल्टीपल अगर हो गया तो या तो आपका भी अट्रैक्शन बढ़ सकता है, आपके टुवर्ड्स लोगों का भी अट्रैक्शन बढ़ सकता है, नहीं तो आपको थोड़ी सी प्राइवेट पार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, या पैसा कमाएंगे तो लेकिन चला भी जाएगा। तो एक्सेस इज नॉट गुड, हर जगह 6 को ओवर एक्टिवेट मत कीजिए जब आपके पास ऑलरेडी 6 है तो। इतना मैम अब जब नेचुरली है तो उसको क्या कर सकते हैं फिर? क्योंकि फिर मेरे हम घर उस का नंबर भी 6 है, मेरी फैक्ट्री का नंबर भी टोटल 6 है, मेरे को तो इधर भी 2 6 हैं बर्थ में भी। आप उसमें क्या कीजिए, ठीक है। और आपको मतलब आपकी हेल्थ इश्यूज भी नहीं हो, ठीक है, किडनी से रिलेटेड या प्राइवेट एरियाज में भी नहीं हो, या फिर वो अट्रैक्शन वाला भी कोई अननेसेसरी इश्यू नहीं आए, तो आप क्या कीजिए, आप एवरी फ्राइडे थोड़ा सा मिश्री लीजिए और मंदिर में चढ़ा दिया कीजिए, अपनी श्रद्धा अनुसार कितना भी मिश्री लेके चढ़ा दीजिए मंदिर में। ठीक है मैम, जस्ट डू थैंक दिस यू। एवरी फ्राइडे, ठीक है, क्योंकि पैसा आएगा तो लेकिन पैसा चला भी जाएगा, फिर उतना आप सेविंग नहीं कर पाओगे पैसे की। मैम किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है मुझे। और अभी तो मैंने तो सिर्फ आपका रूट और ये छह ही सुना है, ये तो रिपीट नंबर पे मैंने आपको बोल दिया कि ये आएगा, अभी तो पूरा ग्रिड बनेगा तो पता चलेगा और अंदर क्या क्या है, ठीक है। अभी के लिए ये रेमेडी जरूर कर लीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके श्वेता जी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैडम वीनस का नंबर तो इनके पास पक्का ही है, बिना देखे इनकी फेस ब्यूटी देख के बता सकता है कोई भी, राइट है? जी मैडम ध्यान रखिए, आप मल्टीपल अफेयर के नंबर है आपके पास, ध्यान रखना, आप अपने आप को कंट्रोल में रखना है आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं योगिता पाल जी का। राधे राधे योगिता जी, हेलो, राधे 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 मैम। राधे मुझे जी, ये योगिता पता कर मुझे ये पता करना था, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ मुझे तो अपनी पता है और मेरे हस्बैंड की नहीं पता होगी, तो उसमें कैसे पता चलेगा? उसमें योगिता जी हम नेम से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, या वो नेम किस से दिन कर सकते? बॉर्न, यस, और वो किस दिन पे, अगर डे पता है कि डे पे कैसे बॉर्न हुए तो डे का भी नंबर नहीं, होता है। डे भी नहीं पता और कोई बात डेट नहीं, ऑफ बर्थ भी। कोई बात नहीं, उस केस में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं कि हम उनके नेम से थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है इस केस में कि जो उनके सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर उनके सिम्टम्स के बेसिस पर हम उनको रेमेडी दे सकते हैं, क्योंकि जब हम प्लैनेट की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं एक बार तो सिम्टम से पता चल जाता है कि ये सिम्टम कौन सा प्लैनेट दे रहा है। वो एक क्लास का टॉपिक है, बस आपको समझना है, बार बार अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सपोज, तो मुझे पता है मुझे मार्स की रेमेडी देनी है, चार्ट देखिए बिना ही मैं बोल दूंगी कि मुझे मार्स की रेमेडी तो देनी है, तो उस तरह से हम देख सकते हैं। देन उसके बाद नहीं तो आप टैरो कार्ड की क्लास में भी आ जाना है इसके बाद, तो वहां पे तो आपको नहीं भी पता कुछ भी, तो आप सारा निकाल दोगे, शाम कैसी होने वाली है, सुबह कैसी होने वाली है, एक एक चीज, और क्या टेस्टिमोनियल्स है उसके, आप ही के साथ बैठे वेबिनार में टैरो क्लास के बच्चे, उन्हीं से अगर फीडबैक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं इसको। ओके थैंक और हेल्थ हेल्थ यू। की मैं आपको इतनी रेमेडीज देती हूँ कि आपने हेल्थ का इश्यू भी अगर बता दिया तो आपको प्लैनेट समझ आ जाते हैं कि रेमेडी करा दो, रिलीफ 70% तो मैं नहीं, पक्का हेल्थ की बोलती हूँ आ प्रॉब्लम तो जाएगी। मेरे को ही आती रहती है, बार बार मेरे मतलब कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो ही जाता है, मेरे साथ हो रहा है ये तो। तो मार्स का कहीं इम्पैक्ट तो है ही, अगर एक्सीडेंट हो रहा है मार्स या राहु का, प्लस उसके अलावा मैं बोलूँ चार्ज ज्वाइन करेंगे तो इवन डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस से भी कम है, जब आप बार बार एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर के पास जाओगे तो उस कंसल्टेशन फीस से भी कम है। 1770 लाइक एनर्जी एक्सचेंज, यू कैन ज्वाइन, यू कैन लर्न, यू कैन अप्लाई, एक ना एडिक्शन हो जाती है जब हम सीख जाते हैं तो ये चीजें, ठीक है। ओके योगिता ठीक है, जी, थैंक यू। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं मैरिज को लेकर भी, अभी तो आपको कुछ ही पढ़ाए गए हैं। नेम टू नेम भी हम मिलाते हैं, कंपेटेबिलिटी आपकी है कि नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लास में बताई जाएंगी आपको, वो कंप्लीट क्लास के अंदर। बाकी मोबाइल और मेडिकल के बारे में कोई सीखना चाहता है तो उसकी सेपरेट क्लासेस भी हैं। नीतू अग्रवाल जी, राधे राधे जी, आपका क्या क्वेश्चन है? राधे राधे नीतू जी, जी नीतू मैम जी,
एक चीज पूछनी है कि हाँ कई जी, बार क्या है, सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी नहीं होती या रिलेशन जीरो है, वो भी नंबर से मालूम पड़ता है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जब आप अपनी कंसल्टेशन में बताओगे ना, पर्सन का मुंह खुला का खुला रह जाएगा कि कैसे बता दिया। और 1 मिनट में, 1 मिनट में आप बता दोगे कि क्या आपके साथ ऐसा है। मैम मेरे पास एक केस है, हस्बैंड वाइफ की बर्थ डिटेल्स है, मैं दूं आपको अगर कुछ इसमें रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं तो। जी बताइए, मैम पहले मेल का बताऊं? आप दोनों किसी का भी बता दीजिए, क्योंकि अभी मैं उतना पूरा डिटेल में चेक ओके नहीं ठीक, कर पाऊंगी, लेकिन आप मेल मुझे की बता बता दी ना। दीजिए। मेल का है जी 30th November 1975, जी 1979। और फीमेल का क्या है? फीमेल का है 17th June 1980। 17 जून 9। ये तो वैसे भी हमेशा एक दूसरे से लड़े होंगे, खूब है ना, खूब लड़े होंगे ये लोग तो बहुत ज्यादा। नीतू जी, इनके लिए मैं बोलूंगी, इनका डेट ऑफ बर्थ देखते ही पता चल रहा है, नीतू जी ऐसे नहीं बन सकती। आप इनको बोले कि अगर ये पूरा कंसल्टेशन ले सकते हैं ना, तो पूरा चेक हो जाएगा। तो इनकी तो मैम बहुत लड़ाई होगी। अभी के लिए मैं ये कह देती हूँ, फीमेल रेमेडी ज्यादा करेंगे या मेल करेंगे ज्यादा? फीमेल कर लेगी फिर भी? अगर फीमेल कर लेंगी ना, सबसे पहले फीमेल को सुलेमानी हकीक की रिंग पहना दीजिए, सबसे पहली रेमेडी। और कुछ करे या नहीं करे, और एवरी ओके सैटरडे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलवाइए। लेकिन शी नीड्स मोर रेमेडीज एंड द हस्बैंड आल्सो नीड्स मोर रेमेडीज। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इस चीज के लिए आप कहीं से भी चाहे लें, पर फुल कंसल्टेशन में जाइए पहले। क्योंकि दोनों की इनकी सेकेंड शादी बहुत है। बिड़ेगी, इनकी इनकी सेकेंड हो थर्ड हो, इन दोनों की बिड़ेगी बिड़ेगी। थर्ड होती तो भी बिड़ती दूर दूर, फिर भी जब ये कहीं घूमने जाते होंगे, कोई एक दूसरे से थोड़ा दूर चला जाता होगा, तो शायद फिर भी थोड़ा बहुत प्यार आ जाए एक दूसरे के ऊपर। वैसे तो इनकी मारने पीटने की स्थिति पे उतर सकते हैं ये लोग, है सर। जी डोमेस्टिक वायलेंस भी सिर्फ मैंने नंबर ही देख के बताया है, ठीक है। थैंक यू ओके नीतू जी, मैम, थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे हम। सर मेरा भी एक क्वेश्चन ले लीजिए। किनका? हाय मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। हेलो राधे राधे। मैम मेरे को एक क्वेश्चन आपसे पूछना था। आपने जैसे टू मेथड्स बताया था कंपैटिबिलिटी चेक करने का, तो वो दोनों देखना पड़ता है किसी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए? तो फॉर एग्जांपल देखिए, मेरा रूट टू रूट मैच हो गया, डेस्टिनी टू डेस्टिनी नहीं मैच हुआ, लेकिन क्रॉस मैच हो गया, तो अब बट रूट टू रूट भी मतलब आपका 40-40% तो आपका नहीं हुआ है मैच, ठीक है। 40% तो आपका नहीं हुआ है मैच, तो 40% बहुत होता है, लेकिन फिर भी 60% भी अच्छा स्कोर है। मतलब चाहोगे तो स्कोप है कि बचा तो लोगे, रेमेडीज कर लो थोड़ी सी तो बच जाते हैं। और एक्सचेंज ऑफ नंबर्स भी देख लीजिए, और 5-6 है या नहीं है वो भी चेक कर लीजिए। इसका फिर मल्टीपल परसेंटेज ब्रेकडाउन दे सकते हो, मतलब किसका कितना इंपॉर्टेंस होता है? आप रूट का मान लीजिए, रूट डेस्टिनी का मान लीजिए 40-40% ये हो गया, 30 आप 35-35%, 35-35%, 35% ऐसे 33-33 करके मान लीजिए, ओके ठीक एंड नंबर है। एक्सचेंज आल्सो सिमिलर वे। नंबर एक्सचेंज भी देखना है, यस। और क्लास में हम फिर से, मैं पूरा समझाऊंगी क्लास में ना इसको, मैं अच्छे से समझाऊंगी। अभी केस स्टडीज नहीं लिए हैं, अभी तो एक ग्लिम्स दिया है। ये मतलब एक छोटा सा चैप्टर है, और उस चैप्टर का भी एक बहुत छोटा सा ही जिस्ट है जो अभी हमने किया है। आई विल एक्सप्लेन मैम एवरी थिंग टू यू इन द क्लास, एक ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? लाइक चार्ट में नंबर 7 लाइक 2 बार आ रहा है, तो एंड 6 एक ही और 5 है नहीं, तो एंड आई हैव बीन लाइक हर्टेड अ लॉट इन माय रिलेशनशिप्स बिफोर, लाइक आई हैव बीन जॉली हर्ट, सो उसका कोई रेमेडी या कोई धोखा मिलेगा सोल्यूशन हो? आपको इसमें, डिसीट मिलेगी, चीटिंग मिलेगी, ठीक वो हर बार है। ये है धोखा, डिसीट, चीटिंग है ये सब। कुत्तों को रोज बिस्किट खिलाइए, और ओके लेफ्ट कान में गोल्ड की बाली पहन लो। अभी के लिए दे रही हूँ, लेकिन पूरा नहीं देखा है मैंने। देखिए, हाफ नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस में अब मुझे कि वो देख के उतना समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी हमेशा पूरा एनालाइज करने के बाद बेस्ट रिजल्ट आते हैं, ठीक है अक्षिता जी। ओके अभी के लिए यही दूंगी, बट क्लास में पूरा एनालिसिस सिखाऊंगी मैं, ठीक। ओके मैम, थैंक यू। वैसे ओके अक्षिता जी, भी क्लास के अंदर पूरी डिटेलिंग बताई जाती है आपको, छोटी से छोटी, और आप खुद ही प्रेडिक्ट करने लग जाओगे, दूसरों का भी करने लग जाओगे। देखिए, जिनके भी कैमरा बंद है वो तो अपने हैंड डाउन कर लीजिए, और दूसरा जिनका नाम आईफोन से है या कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं जो उनके नाम नहीं है, तो वो भी प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। रेखा जी, अपने नाम से आइए,
तो कम से कम आपके क्वेश्चंस ले पाए। अभी हम क्या राधे बताएं, राधे रेखा जी, आईफोन को राधे अनम्यूट। राधे मैम जी। मेरे हस्बैंड का है 5/6/1971। अभी आपके आप हस्बैंड का? कंपेटिबिलिटी नहीं मिलाएंगे, अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आपका कोई क्वेश्चन है हाँ, तो। तो नहीं, मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि क्या बता सकते हैं इनिशियली इनके बारे में, वो तो बस जिस दिन हम थोड़ा सा। कंसल्टेशन का फ्री कंसल्टेशन का वेबिनार रखेंगे जी, मुझे उस दिन पता आप है। आइएगा, उस दिन हम सबकी फ्री में कंसल्टेशन लेंगे। अभी तो आप या तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं या आज जो समझ में नहीं आया उसके बारे में आप पूछ हाँ सकते हैं। आज कुछ आपको वेबिनार में जो मैडम ने पढ़ाया उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक ओके ओके ओके, थैंक यू। यू जी रेखा जी। क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए या आज मैडम ने जो पढ़ाया वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। नेहा कुमारी जी क्लास में बहुत कुछ है सीखने के लिए, इतना कुछ है, उसके बाद हो नहीं सकता कि आप लोग अपना जी, प्रिडिक्शन खुद नहीं कर पाए। नेहा जी राधे राधे मैम, राधे राधे जी नेहा जी। जी नेहा जी, बताइए। मैम, मुझे जानना था कि जैसे न्यूमरोलॉजी अलग है और वैदिक न्यूमरोलॉजी अलग होती है। देखिए, एक चीज ये होती है कि हमें प्रिडिक्शन सीखने बस से मतलब है ना, कान ऐसे पकड़ो कि घुमा के पकड़ो, बात वही है। लेकिन यस, वैदिक न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट, और न्यूमरोलॉजी भी बहुत तरह का है। आप लोशो से पूछ कंपेयर कर रहे हैं, पाइथागोरस से कंपेयर कर रहे हैं, तो देर इज अ होल वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेदिक एंड अदर न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट। और इसमें आपके पूरे योग, गज केसरी उत्तम राजयोग, आपके फैमिली इशू का योग, आपके पीछे तो डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, ठीक है, आपके सारे तरह के तो योग बनाए जाते हैं। अट्रैक्शन का क्या योग बनता है, ह्यूमिलिएशन का क्या योग बनता है, इंसल्ट का, कॉन्ट्रोवर्सी का, सब चीजों का, सारी चीजें हम पढ़ते हैं, दशाएं निकालते हैं, ये सारी चीजें हम किसी और न्यूमरोलॉजी में नहीं फॉलो करते हैं। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कोई न्यूमरोलॉजी अच्छी है, बुरी है, या कोई किसी से बड़ी है, नहीं, ठीक है, वो सब चीजें नहीं होता है। लेकिन इसका मेथड ऑफ प्रिडिक्शन बिल्कुल अलग होता है, और आप प्रिडिक्शंस अच्छी कर देते हैं और पूरी इन डेप्थ तक जाके कर देते हैं। Okay. और एक चीज और जानना था मुझे बस, और क्रोनोलॉजी की जो क्लास है वो अभी स्टार्ट होने वाली है या कुछ समय अभी मतलब लगेगा, जैसे अभी मेडिकल का बताया सर ने। अप्रैल के एंड तक आते आते स्टार्ट 100% हो जाएगी, ठीक है, अप्रैल के एंड तक जरूर स्टार्ट हो जाएगी। जी थैंक यू मैम। जी सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल में कभी भी आ जाएगी, नेम नेम करेक्शन की भी पूरी, जो वो क्रोनोलॉजी की पापा क्लास होती है मम्मा वो। ना, ओके नेहा जी, थैंक वेरी यू जी। स्वीट वॉइस ऑफ योर चाइल्ड। राधे रेनू जी का क्वेश्चन ले लीजिए मैम। राधे रेणु जी, रेणु जी प्लीज अनम्यूट। रेणु जी, न्यूमरोलॉजी की क्लास है अभी, लिप सिंकिंग वाली नहीं सीखी मैंने। जी रेणु जी, बताइए। राधे राधे मैम, राधे मैं राधे, मुझे ये पूछना था, मेरे बेटे की ग्रेड में 77 और 99 है और शादी की एज हो गई है, रिश्ते भी आते हैं लेकिन बात बनती नहीं, क्या होता है मैम? अग्रेशन भी ज्यादा हो जाता है बेटे को, कभी कभी, रेयर कभी रेयरली, कभी आ कभी जाता कभी। है, और बेटा थोड़े से अपने धुन में भी खोए रहते हैं, वो भी हाँ होगा, इंटेलिजेंट भी होंगे, ठीक है। लेकिन इसके जी, लिए देखिए रेनू जी, एक बार आप मुझे डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ, बट पूरी मुझे एनालिसिस ही करनी पड़ेगी। कोई बात जल्दी नहीं मैम। बोलिए, थोड़ा 16/16/1998। सा आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, इनका कार्मिक नंबर पे है डेट ऑफ बर्थ ना, डेट ऑफ बर्थ ही पूरा कार्मिक नंबर पे है, तो थोड़ा सा इनको स्ट्रगल करना ही करना पड़ेगा। और कोई भी काम भी करेंगे ना तो सक्सेस बहुत जल्दी नहीं मिलेगा इनको, लोग इनको मिसअंडरस्टैंड ही करेंगे, इसलिए अभी के लिए आप जो कर सकते हैं वो ये कर लीजिए। ओम केम केतवे नमः पढ़ ली, इसको रिसाइट कर लीजिए, ठीक है, और जितना हो सकता है उतना मेडिटेट करवाइए, बाकी पूरा देखना पड़ेगा इसका कार्मिक डेट ऑफ बर्थ। और मैम ये बेटा ही करे हाँ या वो मैं भी करेंगे कर तो सकती? सबसे ज्यादा, वो करेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा है, नहीं तो नहीं करेंगे तो आप कर लीजिए, इंटेंशन होना चाहिए, रेमेडी कोई भी करे तो। थैंक यू मैम, थैंक यू। बट हर्डल्स वगैरह लगी रहेंगी, पीक पे पहुंच के डाउनफॉल एक बार जिंदगी में आएगा ही आएगा। तो मैम उसके लिए आपसे कंसल्ट करना हो तो फीस वगैरह? ठीक आप सर से बात कर लीजिएगा, आफ्टर द वेबिनार आप बात कर लीजिएगा, ठीक है है, ओके, जी थैंक रेणु यू जी, मैडम। थैंक यू सो मच। राधे राधे। चलिए ज्यादा समय नहीं है, किनके कैमरे ओपन हैं? अमृता जी
आईफोन मैडम का भी ले लेंगे मैडम, हाथ हाथ नीचे रख लो, थक जाएगा आपका। अगली बार राधे नाम से राधे आना। मैम, राधे राधे मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/11/1987, तो 3 बार 9 आ रहा है, 3 बार 1 आ रहा है, पर आपके तो 9/11 भी आ रहा है मैडम, इतनी फेमस डेट है। और 8 और 7 है, बाकी सारे नंबर मिसिंग है। मैम ड्राइवर कंडक्टर दोनों 9/9 है, और बाकी तो आप समझ गए होंगे। 2 ही बार 9 काउंट करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करूंगी, क्योंकि वैदिक का फंडा अलग होता है, 3 बार 9 हम इसको काउंट ही नहीं करते हैं। डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 2 ही बार काउंट होगा, ठीक है। लेकिन आपको अग्रेशन का ध्यान रखिए, हेल्प कर दोगे तो दूसरों से वापस हेल्प नहीं मिलेगी। ब्लड से रिलेटेड चीजें, एक्सीडेंट, फायर है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, पर ध्यान रखिए इन चीजों का, ठीक है। पाइल्स वगैरह जो हो जाते हैं ना ब्लड से रिलेटेड, कुछ भी पाइल्स, अच्छा फिस्टुला है, तो वही तो हो गया, वही तो हो गया। बस ध्यान रखिए इस चीज का थोड़ा सा, है ना। और शादी में भी बहुत सॉफ्ट रहिए अपनी तरफ से, बी मोर गिविंग अपनी मैम, तरफ। गिव डिवोर्स मी 5 मिनट। हुआ है, डिवोर्स हुआ मेरा। हाँ 2 मिनट दीजिए। जी ठीक है, आप इनका ध्यान रखिएगा। और रेमेडी के लिए अभी जो आप कर सकते हैं, गुड़ लीजिए, गुड़ को ऊपर से नीचे तक घुमाइए 7 बार every Tuesday morning, और गाय को खिला दीजिए, अपने हाथ से खिलाना है, ठीक मैम है। रिलेशनशिप को लेके, मैम जैसे डिवोर्स हुआ था फिर पता नहीं लोग ऐसे आते रहते जाते रहते हैं, मुझे मतलब समझ नहीं आता, मतलब ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते कोई भी रिलेशन का। कोई रिलेशन में ये रेमेडी कीजिए, इससे थोड़ी सी बेटरमेंट आ जाएगी। बाकी मैं आपकी पूरी ग्रिड बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी, आपको इससे रेमेडी आ बेटरमेंट आ जाएगी थोड़ी सी, ओके। ओके मैम जी थैंक यू। जी अमृता जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं आईफोन मैडम का। जी राधे राधे आईफोन जी। राधे राधे, एक्चुअली वो है ना, नेम है ना चेंज ही नहीं हो रहा था, इट्स ओके, नो तो प्रॉब्लम, जी हाँ बताइए। यही था कि जो आप कोर्स ले रहे हो तो उसमें जो नेम न्यूमरोलॉजी, उसमें मतलब क्रोनोलॉजी भी सिखाएंगे या कैसा है? क्रोनोलॉजी एक सेपरेट कोर्स होता है, क्योंकि वो अपने आप में 10 दिन का कोर्स होता है। इसमें मैं आपको डिफरेंट मेथड से सिखाऊंगी नेम को करेक्ट करना। क्रोनोलॉजी भी पूरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, आपको फुल प्रिडिक्शन आ जाता है, जो फुल कोर्स है जो हमारा 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और उसमें मेडिकल, मोबाइल, सब सब कुछ इंक्लूडेड भी होगा। उसके साथ साथ अगर आप एक क्रोनोलॉजी वाला भी 10 दिन का कर लेंगे, देन यू आर द मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट। फिर आपका कोई लुकिंग बैक नहीं है इसमें, फिर कोई आगे फर्दर ऐसा कुछ नहीं बचेगा फिर आपके लिए। ठीक है बस। करेक्शन आपको वैदिक में भी आ जाएगा, बट क्रोनोलॉजी में थोड़े और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा 10 डेज चाहिए होते हैं सिखाने के लिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स वो अलग से कोर्स ओके आता है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और वो अभी नेक्स्ट मंथ होने वाला भी है, लेकिन इस उसके अंदर आपके मेडिकल नहीं आती है, बिजनेस नहीं आती है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम करेक्शन आता है थ्रू प्रोनोलॉजी साउंड वाइब्रेशन से। तो वो कोर्स के लिए भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। 766, सभी लोग नोट कर लीजिए, 766-555-9566। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ज्योति जी का, देखते हैं जी और सर। किसका नंबर आता है। राधे राधे मैडम, राधे राधे ज्योति जी। हाँ मुझे आपसे पूछना था कि आपका टैरो क्लासेस आप नेक्स्ट कभी स्टार्ट कर रहे हैं? आफ्टर फ्यू मंथ्स होंगी, अभी 2-3 दिन पहले टैरो क्लासेस खत्म हुई है। रिकॉर्डेड ओके सेशन मैंने आप कॉल ले किया। सकते ओके हैं, रिकॉर्डेड सेशन आप ले सकते हैं, इक्वली गुड आपको उसमें समझ आता है। क्योंकि मेरी कोई भी रिकॉर्डेड क्लास, अगर कोई भी लेता है कुछ भी रिकॉर्डेड क्लास, मेरा डाउट्स के लिए सपोर्ट हमेशा रहता ही रहता है। तो आप पढ़ लेंगे, ओके उसके बाद आप ग्रुप पे थ्रू वॉइस नोट्स ऑन व्हाट्सएप एंड थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस आप पूछ सकते हैं। क्लास में अभी भी सब लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड आई एम रिप्लाइंग टू ईच वन ऑफ देम, ओके और ओके सर्टिफिकेट भी थैंक मिलेगा। तो टैरो क्लास ऐसी होती है उसके इमीडिएटली बाद आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट बैच अभी 3 दिन पहले खत्म हुए, लोगों ने इंटरव्यूज भी दे दिए हैं प्लेटफॉर्म्स पे। ओके थैंक यू मैम। जी ज्योति जी, चलिए तो मैडम की कल 2 क्लासेस आ रही हैं, मेडिकल और मोबाइल, दोनों ही अपने आप में वंडर्स क्लासेस हैं। मेडिकल तो आपको पता ही है, कुदरत का सबसे पहला जो सुख होता है वो यही है निरोगी काया,
और बात करते हैं जहाँ मोबाइल की, तो हर घर में दो तीन, और मेरे जैसे बंदे के पास तो चार चार मोबाइल फोन है ही, तो उन सब नंबर्स की वाइब्रेशन हमारे पास घूमती रहती है। कितना मोबाइल नंबर आपका कितना बजता है, कितना काम आता है, उतना ही आपकी लाइफ में इम्पेक्ट करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वेबिनार में आने के लिए। कल से हमारे और भी वेबिनार्स आ रहे हैं 7:30 बजे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस भी आप ग्रुप में हैं वहाँ पर बने रहिए, कल की क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल भी छोड़िए मत इसको। 7665555 पे आपको व्हाट्सएप पे जानकारी मिल जाएगी, और आपके सामने पेमेंट डिटेल है। दोनों ही क्लास 1770 रुपये की हैं। दोनों ही करनी हो तो 3540 भेज के लिख दीजिए बोथ क्लासेस। 9675177666 वो नंबर है जहाँ पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद 7665555 पे आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। आप सबके समय के लिए धन्यवाद। सुरभि मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष थैंक के, यू सर। जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दिया आपको सर्व करने के लिए और सेवा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। थैंक यू ब्यूटीफुल सोल्स, एंड स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच सुरभि जी, सेशन वॉज वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच। राधे थैंक राधे यू। टू ऑल। थैंक राधे यू। राधे राधे सबको। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे।